नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर शहर के सबसे पॉश इलाके में, सिटी सेंटर में। और इस वक्त आप देख सकते हैं ग्वालियर में मानसून के बारिश शुरू हो चुकी है और सड़कों की क्या स्थिति है यहां पर बताना चाहूंगा। लवालब चारों तरफ सड़कें भर चुकी हैं, आधी सड़क आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पानी है। इस प्रकार का यहाँ पर पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होता है। लाखों का बजट पास होता है लेकिन उस बजट वो जाता कहाँ है। वस्तु स्थिति आपके सामने है, ये मानसून की दूसरी बारिश में जो वाहन है उनको एक तरफ से किनारे होकर अपनी कहीं ना कहीं अपने कपड़ों की बचाव हेतु साइड से निकलना पड़ रहा है, जबकि एक जो सड़क है पूरे पानी से भरी हुई है। तो ये स्थिति इस वक्त सिटी सेंटर के, ग्वालियर शहर का जो सिटी सेंटर का इलाका है वहाँ की है। यानी कि लाखों का बजट पास होने के बाद भी सही तरह से पानी का निकास न होने के कारण ये स्थिति बनती है। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं हर एक को परेशान होता पड़ता है इस प्रकार की जब भी स्थिति होती है। और आप देख सकते हो सड़क के एक किनारे जो भी टू व्हीलर वाहन हैं वो डर कर निकल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कहीं कीचड़ या किसी प्रकार से कोई तेज वाहन ना आ जाए। कोई ऑफिस के लिए जाना चाह रहा है, कोई ट्यूशन जाना चाह रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति आपके सामने है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग यहाँ से साइड से किनारा करते हुए निकलते हुए, और ये स्थिति आपके ग्वालियर शहर के मेन सड़क पर है जो कि लबालब पानी से इस वक्त भरी हुई है। तो अभी लगभग ये दूसरी ही बारिश हुई है। इस दूसरी बारिश में ऐसा लगता है कि तिगरा डैम का नज़ारा हम देख रहे हो, लेकिन आपको बताना चाहूँगा यह ग्वालियर शहर का सिटी सेंटर का इलाका है और यहाँ पर पहले ही दूसरी मानिएगा मानसून शुरू हो चुका है और यहाँ पर ये स्थिति चल रही है। प्रॉपर सही पानी का सड़कों पर निकास ना होने के कारण ये माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं असुविधा का सामना शहरवासी क्या सभी को करना पड़ता है। और व्यवस्थाओं को लेकर वस्तु स्थिति आपके सामने है, इस प्रकार से सड़कें लबालब भरी हुई हैं। देखिए टू व्हीलर वाहन किस प्रकार से अपना बचाव करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और ये नज़ारा आपको बताना चाहूँगा सिटी सेंटर सड़क का है जो कि दूसरी ही बरसात में तालाब की तरह भर चुकी है। आखिरकार जो व्यवस्थाएं की जाती हैं क्या होता है उनका, साल भर नगर निगम प्रशासन किस कार्य में लगा रहता है, जब सामने स्थिति आती है मानसून की तो ये स्थिति आपके सामने देखने को मिलती है। और यह नज़ारा आपके सामने देखने को मिलता है कि जो टू व्हीलर वाहन है वो अपना बचाव करते हुए यहाँ से निकलने को मजबूर हैं। आज थोड़ी सी बारिश में इस प्रकार से सड़क लबालब भर चुकी है, जबकि साल भर इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए तरह तरह की कवरेज आता है कि ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, लेकिन अमूमन जब बात आती है मानसून की और मानसून आ चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं सिटी सेंटर का यह नज़ारा है और यहाँ पर एक तरफा साइड से वाहन निकल रहे हैं। और ये जो रोड है मेन, यहाँ पर निकलने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है नीचे गटर हो, कोई छेद हो, उसमें वाहन यदि पहिया फंसेगा तो निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो यह नज़ारा ग्वालियर शहर के सिटी सेंटर का, मानसून में क्या माहौल है यहाँ का। इस तस्वीरों के साथ हम आपको इंडिया खबर लाइव टीम अपने साथ यहाँ पर आई हुई है कि नगर निगम की क्या व्यवस्था होती है जब वह मानसून के लिए तैयार करता है कि शहर, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी आपके सामने शहर से कुछ ही दूरी पर तिगरा डैम है, उसकी तस्वीरें कहीं ना कहीं इस प्रकार की नज़र आती हैं जब पर्यटक वहां पर घूमने जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपकी हैं सिटी सेंटर
ग्वालियर की, जो कि यहाँ की मुख्य रोड है। यहाँ से अमूमन हर किसी को किसी भी चौराहे पर किसी भी क्षेत्र में जाना होता है तो निकलना ही पड़ता है। मानसून की ये दूसरी या तीसरी बारिश है लगभग, और सामने तस्वीरें आपके सामने हैं। हर कोई यहाँ पर परेशान है। इस प्रकार के जब भी स्थिति बनती है, मजबूरन प्रशासन साल भर लगा रहता है व्यवस्थाओं में, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो ये नजारा इस वक्त सिटी सेंटर इलाके का, सड़कें लबालब तालाब की तरह भर चुकी हैं। निकासी का किसी तरह से पानी कहाँ जाए आखिरकार, किस जगह किस दिशा की ओर जाए, कोई इसका कोई तरीका नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। इस कारण से ये नज़ारा आपका सामने है। सिटी सेंटर की मुख्य सड़क पर कहीं ना कहीं तालाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो अभी तो आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं यह तो शुरुआत है, अभी तो और बारिश होगी कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों में। लेकिन उन सभी बातों को लेके प्रशासन की, नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, यह भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह पहली और दूसरी बारिश में यह स्थिति नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं इस पानी से कुछ लोग इस पानी को इंजॉय भी करते हैं और कुछ लोग इससे बचना चाहते हैं। तो सिटी सेंटर के इलाके की यह सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंडिया खबर लाइव के माध्यम से। शहर की और भी घटनाएं हैं जो आपसे संबंधित हैं, सामाजिक हैं, उन सभी को जानने के लिए आप हमारे इंडिया खबर लाइव चैनल से जुड़े रहें। यहाँ बिल्कुल कुलदीप सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है, यह लगभग बाल भवन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और बाल भवन के पास की ही नगर निगम ऑफिस है वहाँ पर, तो वहाँ का यह नज़ारा इस वक्त ये है। तो आम जो रहवासी हैं, ये भाई तो एंजॉय कर रहे हैं इस बरसात को कहीं ना कहीं। लेकिन बात आती है, यदि यह मुख्य सड़क का ये हाल है तो शहर के जो आसपास का माहौल है उसका क्या नज़ारा होगा। लगभग देखते हैं कितनी गहराई में, देखिए एक हम देखना चाहेंगे कि कितना गहरा है ये पानी। देखिए भैया, ये पूरी जो एक बांस का डंडा है पूरा ये नीचे तक चला गया है। यदि कोई वाहन इस साइड यदि आता है तो निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, और नाली का प्रॉपर निकास नहीं है, पानी जाए तो जाए कहाँ। कुछ लोग इस पानी को, इस बरसात को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक समस्या भी है। जब यही पानी कहीं किसी गली में मोहल्ले में घुस जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हर किसी को। लेकिन यह तस्वीरें हमारे ग्वालियर शहर के स्मार्ट सिटी की ये जीती जागती तस्वीरें हैं, जो कि एक और दो दूसरी बारिश में तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं यह सभी के लिए एक समस्या का कारण है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए समय रहते यहाँ के जो इंतजाम है उनको दुरुस्त किया जाए, जिससे कि शहर के वासी परेशान होने से बचें। फिलहाल आप देख ही रहे हैं, हर कोई इस सड़क के बीचों बीच ना चलते हुए साइड से चलना चाहता है, अपने आवश्यक कार्य करने के लिए जहाँ पर निकले हुए हैं वहाँ पहुँचना चाहता है। हर कोई इस गंदे पानी से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस कारण एक तरफा सड़क खाली पड़ी हुई है और दूसरी साइड से लोग अपने जरूरत के कामों को निपटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यह तस्वीर हमारे स्मार्ट सिटी ग्वालियर की आपके सामने। कहना चाहेंगे शहर के
बीचों बीच सिटी सेंटर पर यह नजारा है के लिए, और आधी सड़क पर आप देख सकते हैं तिगरा डैम की स्थिति तस्वीरें नजर आ रही हैं। यह स्थिति है स्मार्ट सिटी ग्वालियर की, जो कि एक और दूसरे ही मानसून की बारिश में यह नजारा है, यह तस्वीरों से हमें रूबरू होने पड़ रहा है। कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन यह स्मार्ट सिटी की जीती जागती तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं ना कहीं हर कोई बचना चाहता है इस गंदे पानी से, क्योंकि एक तरफ सड़क के तालाब का नज़ारा नजर आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे स्मार्ट सिटी में हम? नहीं, आप क्यों? तो कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है, हर कोई, हालांकि कुछ लोग इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन खतरा तब और बढ़ जाता है कि यह पानी कहीं ट्रांसपोर्ट किसी ट्रांसफार्मर के आसपास यदि इस प्रकार का पानी भर जाए तो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है। वहां पर खतरा करंट का, जानवरों का और किसी भी व्यक्ति की जनहानि होने की संभावना बन जाती है। फिलहाल यह तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर के पौष इलाके सिटी सेंटर पे, यहाँ का नज़ारा इंडिया खबर लाइव टीम आपको दिखाना चाहती है कि आखिरकार किसी प्रकार का प्रॉपरली यहाँ पर पानी को निकालने का कोई तरीका ना होने के कारण यह अमूमन स्थिति सामने आपके है। और हालांकि अभी बात की जाए तो अभी तो यह मानसून शुरू हुआ है, कुछ समय पश्चात इसमें और तेज बारिश होगी, तब क्या नज़ारा होगा वह भी हमें देखना होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं, आपकी बात हम संबंधित लोगों तक पहुंचाएंगे। शहर की ताज़ा अपडेट, शहर की से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें।